जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी गए, बड़ी मुश्किल से उन्हें अपॉइंटमेंट मिली। और जब वे अंदर जाकर बैठे तो अचानक एक आदमी आया और बोला, मैं हिटलर हूँ। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस बोले, मैं सुभाष हूँ और भारत से आया हूँ। मैं आपसे नहीं बल्कि मैं हिटलर से मिलने आया हूँ। वो अंदर जाता है और फिर उसके जैसा दूसरा आदमी बाहर आता है और बोलता है, मैं हिटलर हूँ। सुभाष चंद्र बोस फिर से वही कहते हैं। वो आदमी अंदर जाता है और दूसरा बाहर आता है। फिर भी सुभाष चंद्र बोस यही कहते हैं। वो सारे हिटलर के डुप्लीकेट्स हैरान हो गए। और जब असली हिटलर को ये बात पता चली और दूर खड़ा रहकर बोला, मैं हिटलर हूँ। और बोला कि पहले ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। नेताजी बोले, बहुत सिंपल है, आपके जो बहरूपिया थे वो राइट बिहेवियर नहीं कर रहे थे। वो पहले हाथ मिलाते थे और वो डायरेक्ट मुझसे मिलने आए और मैं समझ गया कि ये हिटलर नहीं हो सकता। और इस बात को समझ कर ओरिजिनल हिटलर की बुद्धि चकरा गई